भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जयपुर में कांग्रेस को देश को असुरक्षित करने वाली पार्टी बताया है। शाह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव ट्रेलर है और 2019 का चुनाव फिल्म होगी। ट्रेलर अच्छा होगा तो फिल्म भी अच्छी बनेगी। दोनों चुनाव जीत गए तो अगले 50 साल भाजपा का राज होगा। उन्होंने कहा कि राहुल भाई हमको गाली दो, लेकिन भारत माता के टुकड़े करने जाओगे तो भाजपा में आपको रोकने का साहस है। भारत माता के टुकड़े करने वालों को जेल में डाल देंगे। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे और हिंदू शरणार्थियों को सरकार नागरिकता देगी।